हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज कविता गंगवार एंड आई एम बैक विद माई न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होगा फिर से एक नया रेसिपी व्लॉग, और आज हम ये नहीं देखेंगे कि हाउ टू मेक पकौड़े, क्योंकि पकौड़े शायद सबको ही बनाने आते होंगे, पर आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू मेक क्रिस्पी पकौड़े। और आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स जरूर बताऊंगी जिससे आपके पकौड़े फॉर श्योर क्रिस्पी बनेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई टिप आपसे मिस हो जाएगी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर वन ये है कि पकौड़े बनाने के लिए आप जो भी सब्जियां लो सबको आप सेम साइज़ का काटें, और कोशिश करें कि पतला पतला ही चॉप करें जिससे वो हाई फ्लेम पे अच्छे से पक सके, कुछ कच्चा कुछ पक्का ना रह जाए। नंबर टू, हमेशा पकौड़ों के बैटर के लिए बेसन के साथ चावल का आटा जरूर लें, इससे आपके पकौड़े बहुत ज्यादा क्रंची बनेंगे। और यहाँ मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है तो 1 चम्मच चावल का आटा लिया है। टिप नंबर थ्री, बैटर में सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करते जाना है, और डो को थोड़ा टाइट ही बनाना है, कंसिस्टेंसी इसकी पतली नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट टिप ये है कि आपका ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप पकौड़े बनाना स्टार्ट करना। अगर आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो ये तेल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे आपके पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा तेल भर जाएगा। ये हो गए गर्मा गर्म पकौड़े बनके तैयार। अब टेस्टिंग की बारी। आवाज सुनी आपने, बहुत ज्यादा क्रंची बने हैं ये। तो प्रूफ आपके सामने है कि मेरे पकौड़े बहुत ज्यादा क्रंची बने हैं। और अगर आप भी पकौड़े कभी बनाओ तो ये टिप्स जरूर फॉलो करना, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।